पता है कि मैंने हाल ही में 32 इंच का मॉनिटर तो खरीद लिया, लेकिन इस मॉनिटर को कब तक मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके ही चलाऊंगा। इसलिए मैं आज सोच रहा हूँ यार, इस टेबल को थोड़ा भरा जाए। तो फाइनली मैंने ये सीपीयू ले लिया है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है हमारा सीपीयू जो मैंने लिया है इसी ब्रांड का, जेब्रोनिक का। तो सीपीयू भी मैंने लिया है जेब्रोनिक का। इसके अंदर मुझे मिली एक पावर केबल, इसके अलावा यहाँ पे हमें एक VGI केबल भी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे एक वाईफाई कनेक्टर है। तो बाहर की चीज तो आपने देख ली, अब इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, रैम कितनी है, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है, हार्ड डिस्क कितनी है, सब कुछ अब हम अपने मॉनिटर के साथ इसे कनेक्ट करेंगे और अंदर की फीचर्स देखेंगे और किस तरह से वर्किंग कर रहा है वो भी देखेंगे। तो मैंने अपने मॉनिटर को अपने सीपीयू से कनेक्ट कर लिया। सीपीयू को थोड़ा नज़दीक से मैं आपको बताऊं तो इसका लुक एंड डिज़ाइन आप देख सकते हैं। फ्रंट पे आपको 3 रिंग वाली लाइट देखने को मिल जाती है RGB, लेकिन ये ग्लो नहीं कर रही, बस ग्लो करती तो और भी अट्रैक्टिव हो जाता। कैबिनेट के मटेरियल की बात करें तो लोहे के साथ इसमें ग्लास का यूज़ दिया गया है। तो यहाँ से अंदर क्या क्या इसके अंदर हमें देखने को मिला है, क्या क्या फिट है, तो यहीं से हम देख सकते हैं। इसकी लाइट और भी अट्रैक्टिव बना देती है। अब यहीं से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें हार्ड डिस्क देखने को मिल जाती है, 1 TB की हार्ड डिस्क लगी इसमें। यहाँ पे SSD कार्ड शो हो रहा है, तो 256 GB का SSD कार्ड है, 16 GB की रैम है। इसके अलावा यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड भी शो कर रहा है, जैसे GT730 का ग्राफिक्स कार्ड है। और यहीं पे पावर सप्लाई किस ब्रांड की, किस कंपनी की यूज़ की गई है, मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ इस ग्लास की मदद से हम देख सकते हैं। तो ये है पूरा मेरा CPU जिसका लुक एंड डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अगर बैक साइड की अगर बात करें तो बैक साइड का लुक कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो लाइट है ना, उससे थोड़ा और भी अट्रैक्टिव लगता है बैक साइड का लुक। इस कैबिनेट को मॉडिफाइड करना है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा हमें हार्ड डिस्क वगैरह रैम वगैरह ऐड करनी है, तो सिंपली हमें यहाँ पे कुछ स्क्रू वगैरह दिए हैं, तो ईजिली यहाँ पे हम आराम से इसको ओपन कर सकते हैं। इस कैबिनेट को यहाँ से भी कर सकते हैं। इस कैबिनेट के अंदर क्या क्या कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि पोर्ट, तो यहाँ पे मैं आपको सारे स्विच वगैरह बता देता हूँ। तो ये है हमारा पावर बटन, और यहाँ पे ये बटन दिया गया है, ये रिस्टार्ट करने के लिए है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ पे हमारा जो PC है वो रिस्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे माइक का पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे हेडफोन का पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे फिर से एक और हमें USB पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे 2 LED लाइट भी देखने को मिलती है, रेड एंड ब्लू। तो यहाँ पे पावर स्विच मिल जाती है, और यहीं पे हमें इसके बैक साइड यहाँ पे आप फैन देख सकते हैं अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक फ़ैन भी मिल जाता है, यहाँ पे हमें एक USB पोर्ट मिल जाता है, बगल में हमें एक और USB पोर्ट मिल जाता है, लेकिन इसमें मैंने इसके अंदर जो वाईफाई डोंगल मिलता है तो वो मैंने लगा दिया है। नीचे HDMI का ऑप्शन मिल जाता है, एक्स्ट्रा HDMI भी हम ऐड कर सकते हैं फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े। नीचे हमें VGI केबल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, VGI का पोर्ट। अब यहाँ पे देखिए हमें 4 USB पोर्ट मिल जाते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे USB पोर्ट हैं जो दोस्तों बहुत ही काम के होते हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह अलग अलग हम चीज़ एडजस्ट करते रहते हैं तो उसमें बहुत काम में आता है। और यहाँ पे हमें ये वाला पोर्ट देखने को मिल जाता है, इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। और यहाँ पे हमें कुछ माइक से रिलेटेड 3 पोर्ट मिल जाते हैं। नीचे की तरफ हमें DVI का एक पोर्ट देखने को मिलता है, बगल में HDMI का पोर्ट मिलता है, और यहीं पे एक VGA का पोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हमें मॉडिफाइड करना है तो फ्यूचर में यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें फ्लॉपी डिस्क का ऑप्शन नहीं है, जैसे CD वगैरह मैं इसमें नहीं यूज़ कर सकता। 18,000 के बजट में इतनी सारी चीज़ें किसी भी CPU में देखने को नहीं मिलती हैं। CPU के अगर अंदर से देख लेते हैं, यहाँ पे डिवाइस नाम आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का इसके अंदर i5 कोर प्रोसेसर मिलता है, जो है 3.2 GHz का। और रैम मैंने आपको बताया 16 GB की रैम मिल रही है मुझे, मेरे लैपटॉप में 4 GB और इसमें मुझे 16 GB मिल रही है, और लैपटॉप 30,000 रुपये का है और ये सिर्फ 18,000 में। और अगर बात करें विंडो, तो इसमें विंडो 10 प्रो मिल रही है मुझे, और मेरे लैपटॉप में अभी विंडो 10 ही है, वो भी लिमिटेड एडिशन। इस CPU के अंदर आपको सिर्फ वाईफाई मिलती है, वो भी वाईफाई डोंगल के जरिए। इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, तो ब्लूटूथ है नहीं है, लेकिन वाईफाई आप यूज़ कर सकते हो। ब्लूटूथ नहीं है तो क्या हुआ, वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप VPN यूज़ कर सकते हैं। और इंटरनेट की स्पीड बहुत ही फास्ट है, इसके अंदर जो डोंगल मिल जाता है उससे इंटरनेट की स्पीड बहुत ही फास्ट है, आराम से PC में इंटरनेट का भरपूर आप मज़ा ले सकते हो वाईफाई के जरिए।
अब बात करें इसमें मेन इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स कार्ड कौन सा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पीसी खरीदते हैं गेम खेलने के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि कोई टाइम पास के लिए नहीं खरीदता। तो बात करें इसके अंदर एनवीडिए का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है GT 730, जिसके जरिए आप हाई ग्राफिक के सारे गेम खेल सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस करोगे, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये CPU सिर्फ गेमिंग के लिए ही बनाया गया है, जिसमें आप GTA 5 से लेकर जितने भी हाई ग्राफिक्स के गेम है ना, वो सभी आप इसमें खेल सकते हो। मैंने खुद ट्राई किया, जो आने वाले टाइम में मैं गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इतने कम बजट में आपको बस ब्लूटूथ नहीं मिलेगी, प्रॉफिट डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता है, बाकी आपको पैसा वसूल ये CPU मिलता है। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं।